नमस्कार मैं हूँ शीतल मीना लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कास्टिंग डिफेक्ट्स कास्टिंग डिफेक्ट्स से पहले हम जान लें कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है कास्टिंग प्रोसेस एक तरह की ढलाई प्रक्रिया होती है जिसमें कि लिक्विड मटेरियल को पोर किया जाता है एक मोल्ड कैविटी में और फिर उसको ठंडा होने दिया जाता है और आफ्टर सॉलिडिफ़िकेशन आफ्टर कूलिंग वह मोल्ड कैविटी हमारे डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट हो जाती है और जिसे हम मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स जैसे कि पैड ऑफ मशीन टूल प्रोपेलर ब्लेड्स तो यह यह इस तरीके के जो शेप्स और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उसको हम कास्टिंग की मदद से बनाते हैं फाउंड्री प्रोडक्शन में यह प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है इस प्रोसेस के दौरान कई जगह पर डिफेक्ट आ सकते हैं तो कास्टिंग डिफेक्ट एक तरीके से एक इन द मेटल कास्टिंग प्रोसेस है जो कि हमें रिमूव करनी चाहिए या फिर हमें प्रिवेंट करना चाहिए कि वो कास्टिंग के दौरान कास्टिंग प्रोसेस के दौरान हमारी जो फाइनल कास्टिंग है उसमें ये डिफेक्ट्स ना आए तो द की टू प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट्स इन योर कास्टर प्रोडक्ट इज टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड टॉलरेंसेज फॉर क्वालिटी इशूज तो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले ही हमें इन डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए उपाय करने होंगे या फिर हमें बाद में उसे रिपेयर करके वेल्डिंग और मर्टिलाइजेशन के जरिए उसे उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना होगा कास्टिंग प्रोसेस के दौरान डिफेक्ट्स कई कारणों से पैदा होते हैं जैसे कि गैस पोरोसिटी कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड कॉजेज तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो है उसका कारण है गैस पोरोसिटी पोरोसिटी क्या होती है कि व्हेन द मेटल ट्रैप्स गैसेस ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस के दौरान जब वो सॉलिडिफाई या कूल होता है तब उसमें कुछ गैसेस रह जाती है वो उससे पास ऑन नहीं हो पाती तो बबल्स फॉर्म बिकॉज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द मेटल कैन नॉट होल्ड एज मच गैस एज द लिक्विड फॉर्म तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस अंदर ही रह जाती है और वो दीज बबल अपियर ऑन अ कास्टिंग एज अ राउंडेड सर्कुलर कैविटीज और होल्स की तरह व उभर कर बाहर आती है तो इसमें तीन तरीके के डिफेक्ट्स हम देख सकते हैं सबसे पहला है दैट इज पिन होल्स पिन होल्स ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज पोरोसिटीज दीज आर वेरी वेरी टाइनी होल्स अबाउट टू एम एम यूजली फाउंड द कोप अपर पार्ट ऑफ द मोल्ड मोल्ड कैविटी के अपर पार्ट में पाया जाता है एंड इन पोअर्ड वेंटेड पॉकेट्स तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं छोटे छोटे से जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज पिन होल्स दे यूजअली अपेयर इन लार्ज नंबर्स टुगेदर Uh, एक साथ काफ़ी सारे होते हैं आइदर एट द सर्फेस और जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द कास्टिंग दे आर ऑलवेज विजिबल टू द नेकेड आई एंड डोंट रिक्वायर इक्विपमेंट टू आइडेंटिफाई ये हम देख सकते हैं देन सेकेंड जो है इसी तरह का डिफेक्ट वो कहलाता है सब सर्फेस ब्लू होल ब्लू होल और सिंपली ब्लोज तो ये दीज आर लार्जर कैविटीज दैन पिन होल्स से थोड़े से ये साइज uh, में बड़े होते हैं दीज अपियर्स ऑन द इनसाइड ऑफ द कास्टिंग और इसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं सो दीज होल्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट बिफोर मशीनिंग मशीनिंग प्रोसेस के बाद ही हमें ये डिफेक्ट नज़र आते हैं इट रिक्वायर्स हार्मोनिक, अल्ट्रासोनिक मैग्नेटिक और एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए ही हम इन्हें चेक कर सकते हैं तीसरे तरीके की जो डिफेक्ट है दैट इज़ द ओपन होल्स

कोर्स तो वेंटिंग प्रोसेस यानी कि गैस और जो अंदर जो बबल ट्रैप हो जाता है उसको निकलने में आसानी नहीं हो पा रही है तो दैट इज़ द पुअर वेंटिंग और इसकी जो ड्राइंग है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है दैट इज़ इनसफिशेंट टाइम में पूरा हुआ है और सही तरीके से नहीं हुआ है तो उस उसके कारण ये इस तरीके के कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं स्कार्स आर शैलो ब्लोज दैट अपीयर्स ऑन द फ्लैट सरफेस के ऊपर जो होल्स टाइप डिफेक्ट्स जो होते हैं वो स्कार्स कहलाते हैं वाइल ब्लिस्टर्स आर स्कार कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ मेटल तो ब्लिस्टर्स जो है वो एक मशीनिंग प्रोसेस के बाद जो लेयर हमारे सामने आएगी उसमें जो होल्स दिखाई देंगे उस कास्टिंग डिफेक्ट को ब्लिस्टर्स कहते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ओपन होल्स बिल्कुल टॉप सरफेस पर आपको मिल जाएंगे बट ब्लू होल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनसाइड लेयर में चेक करना पड़ेगा सो so, इसके कारण भी हो सकते हैं एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग्स मोल्डिंग सैंड में जो है मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा है इन एडुकुएट गैस परम्यूबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग सैंड की जो परम्यूबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है यानी कि उसमें जो गैस लिक्विड जो भी है जो अंदर ट्रैप हो गई है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाई है पैसेज के थ्रू नहीं निकल पाई है सो पोटेंशियल सॉल्यूशंस इंक्लूड तो इसकी रेमिडीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इनकॉपरेट गुड फ्लक्सिंग एंड मेल्टिंग प्रैक्टिस फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेल्टिंग प्रैक्टिस हमें सही तरीके से करनी है मेल्ट मेटर इन अ वैक्यूम इन एन एनवायरमेंट ऑफ लो सॉलिबिलिटी गैसेज अंडर अ फ्लक्स दैट प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट विद एयर डायरेक्टली एयर कॉन्टैक्ट और डायरेक्टली एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में ना आए और वी वी हैव टू इंक्रीज गैस परमेबिलिटी ऑफ द सैंड कोर्सर सैंड है परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी ऑफ सैंड मीन्स गैस एंड लिक्विड मटेरियल्स कैन ईजीली पास थ्रू द सॉइल यानी आसानी से वो उसे पार कर सके बाहर निकल सके, तो उसके लिए हम कोर्सर सैंड यूज कर सकते हैं जिनकी परमिबिलिटी ज़्यादा रहती है देन इंक्रीज़ परमिबिलिटी ऑफ मोल्ड एंड कोर्स जो हम मोल्ड पैटर्न यूज कर रहे हैं उसकी भी परमिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए अलाउ एयर एंड गैस टू एस्केप फ्रॉम द मोल्ड कैविटी ड्राई आउट मोल्ड्स एंड कोर्ड बिफोर यूज एंड स्टोर ड्राई यानी उसका सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग प्रोसेस सही तरीके से होना चाहिए इंक्रीज रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बाई रिड्यूसिंग मेटल टेम्परेचर ड्यूरिंग कास्टिंग तो कास्ट सॉलिफिकेशन रेट भी आप बढ़ा सकते हो बाय रिड्यूसिंग मेटल टेम्परेचर ड्यूरिंग कास्टिंग में आप उसको ज्यादा हाई टेम्परेचर तक मत ले जाइए तो इस तरीके से हम इन डिफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट जो कास्टिंग डिफेक्ट है दैट इज श्रिंकेज कास्टिंग डिफेक्ट इन कॉजेज श्रिंकेज ऑकज बिकॉज मेटल्स आर लेस डेंस एज अ सॉलिड श्रिंकेज यानी कि श्रिंक हो जाना कंप्रेस हो जाना पर्टिकुलर एरिया से श्रिंकेज कैिटीज डिप्रेशन एंड कास्टिंग पे चौक्स ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस तो ये भी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ही डिफेक्ट ये क्रिएट होता है सो इट अपीयर्स विद एन एंगुलर एजेस कंपेयर टू द राउंड सर्फेस कैविटीज माइट ऑल्सो भीटिक फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स लार्ज श्रिंकेज कैविटीज कैन अंडर माइन द इंटीग्रिटी ऑफ कास्टिंग एंड मेकॉज इट इवेंचुअली ब्रेक अंडर स्ट्रेस तो इस तरीके से क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स की तरह या एडजस्ट पे दिखाई देता है हमारी कास्टिंग की सो so, श्रिंकेज दो तरीके के हो सकते हैं ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट एंड क्लोज श्रिंकेज डिफेक्ट ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट में दीज आर ओपन टू द एटमोसफियर एयर कंपनसेटेड एज अ श्रिंकेज कैविटी फॉर्म्स सो हेयर पाइप्स आर ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट दैट फॉर्म एट द सर्फेस एंड बर टू द कास्टिंग यानी कि जो कास्टिंग की सरफेस पे जो डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं वो पाइप्स कहलाते हैं केव्ड सर्फेसिस आर शैलो ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट दैट फॉर्म अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द कास्टिंग सो ये ज्यादा गहरे नहीं होते हैं केव्ड सर्फेसिज क्लोज श्रिंकेज डिफेक्ट दे, दे आर नोन एज श्रिंकेज पोरोसिटी दिस डिफेक्ट फॉर्म विद इन द कास्टिंग कास्टिंग में ये पाए जाते हैं मैक्रो श्रिंकेज कैन बी व्यूड विद द श्रिंकेज की साइज बड़ी होती है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं एंड क्लोज श्रिंकेज डिफेक्ट यूजअली अपेयर एट द टॉप ऑफ हॉट स्पॉट्स और आइसोलेटेड पूल्स ऑफ हॉट लिक्विड सो हमें इस तरीके के डिफेक्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट जो कि एकदम सरफेस और एजेस भी दिखाई दे रहे हैं एंड क्लोज श्रिंकेज डिफेक्ट जो कि इनसाइड दिस कैिटी दिखाई दे रहे हैं कास्टिंग के बीच में दिखाई दे रहे हैं सो टू प्रिवेंट दिस डिफेक्ट्स अलॉयज ऑलवेज श्रिंक एंड चेंजिंग फ्राम मोल्टन टू सॉलिड तो जो अलॉय मेटल्स होते हैं वो हमेशा और जब भी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें श्रिंकेज होना ज्यादातर देखा जाता है दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द कास्टिंग अलॉय इन द मोल्टन स्टेट इज लोअर दैन इन दॉलिड स्टेट बिकॉज उनकी जो डेंसिटी है वो मोल्टन स्टेट में कम होती है एज कंपेर्ड टू सॉलिड स्टेट सो यू शुड एक्सपेक्ट सम श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन तो उस तरीके से हमें श्रिंकेज अलाउंस देना चाहिए डिजाइनिंग के वक्त फैक्टर श्रिंकेज अलाउंस इनटू द पैटर्न डिजाइन बिफोर कास्टिंग से पहले कि इसमें श्रिंकेज होगा ही सो यू कैन प्रिवेंट दिस डिफेक्ट बाय इंप्रूविंग द कास्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन अ रनिंग गेट सिस्टम विथ राइज द टेंशन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मोल्टन मोल्डन मेटल का फ्लो सही तरीके से हो सके तो आप राइजर सिस्टम यूज़ कीजिए इंक्रीज लोकल हीट डिसिपेशन बाय इंसर्टिंग इंटरनल चिल्स कूलिंग रिप्स एंड कूलिंग ऑयल्स कूलिंग एंड सोलडिफिकेशन प्रोसेस सही तरीके से हो सके तो आप चिल्स का इस्तेमाल कीजिए रिड्यूस कास्टिंग टेम्परेचर टू लिमिट द टोटल वॉल्यूम डिफिसिट यानी कास्टिंग के दौरान उसका टेम्परेचर कम रखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कास्टिंग डिफेक्ट्स में वो है मोल्ड मटेरियल कास्टिंग डिफेक्ट्स मोल्ड मटेरियल कास्टिंग डिफेक्ट्स आर रिलेटेड टू मोल्ड मटेरियल जो कि हम यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली सैंड है मोल्ड कैविटी जो कि सैंड से बनाई जाती है इसमें आप देखेंगे द रिफेक्ट इज कट्स एंड वॉशिज दीज आर एरियाज ऑफ एक्सेस मेटल यानी जहां पर हमारा जो मेटल है वो ज्यादा चला गया है इकट्ठा हो गया है दिस अपियर्स द मोल्टन मेटल इरोड्स द इन सैंड मोल्टिंग सैंड को रिमूव करके वो कुछ जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो गया है सो इट इज अपियर्स एज अ लो प्रोजेक्शन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द ट्रैक फेस डिक्रीजिंग इन हाइट एज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन साइड कास्टिंग टू द अदर तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मोल्ड कैविटी से बाहर निकला हुआ है द कट्स एंड वॉशिज कैन बी कॉस्ड बाई मोल्टन मेटल फ्लोइंग एट अ हाई विलोसिटी अगर वो काफ़ी तेज़ गति से बह रहा है अंदर फ्लो हो रहा है कैविटी के अंदर तो वो कुछ जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है टू प्रिवेंट दिस कट्स एंड वॉशेस हमें क्या करना चाहिए कि हमारा गेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए मोल्ड और कोर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी चाहिए एडिंग मोर बाइंडर्स टू द फेसिंग एंड कोरस एंड तो हमें बाइंडर मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी मोल्ड कैविटी ख़राब ना हो अगला जो इफेक्ट है वो कहलाता है फ्यूजन फ्यूजन ऑकर्स वन सैंड ग्रीन फ्यूज विथ मोल्टेन मेटल आप डायग्राम में देख सकते हैं तो इट अपीयर्स एज अ थिन क्रस्ट विथ अ ब्रिटल उभरा हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है ग्लासी अपीयरेंस फर्मली एडहेर्ड टू तो द कास्टिंग तो इसके जो कारण है वो है लो रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ क्ले एंड सैंड रिफ्रैक्टिवनेस यानी कि हीट आ, हीट को सहन करने की जो क्षमता है अगर वो कम है मिट्टी की उसकी वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है टू हाई पोरिंग टेम्परेचर मोल्टन मेटल का जो पोरिंग टेम्परेचर मोल्टन मेटल को डालते वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहा होगा इसकी वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है रिफ्रैक्टरनेस इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग मटेरियल टू रेजिस्ट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड सो इट डजन फ्यूज़ विद द मेटल तो सैंड की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट कर सके हाई टेम्परेचर को सो सिलिका सैंड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि क्यों उसकी क्यों ये प्रॉपर्टी काफ़ी हाई रहती है इट हैज़ द हाइस्ट रिफ्रैक्टरीनेस इम्प्रूविंग द रिफ्रैक्टरीनेस ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल एंड रिड्यूसिंग द पोरिंग टेम्परेचर से हम इस डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट है दैट इज रन आउट रन आउट इज वन लिक्विड मेटल लीक्स आउट द मोल्ड मोल्ड कैविटी में से अगर लिक्विड मेटल अपनी पोजीशन से कहीं और फैल जाता है तो लीडिंग टू एन इनकम्प्लीट और मिसिंग कास्टिंग तो हमारी कास्टिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाती है टू प्रिवेंट दिस डिफेक्ट डिजाइन द कास्टिंग मोल्ड विथ प्रिसीजन इंस्पेक्ट रिप्लेस एनी डिफेक्टिव मोल्ड बिफोर कास्टिंग तो कास्टिंग से पहले मोल्ड कैविटी आप अच्छे से चेक कर लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और हाई टेम्परेचर कैन लीड टू एक्सेस वेयर एंड टीयर यूज़ क्वालिटी रॉ मटेरियल फॉर योर मोल्ड दैट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर जो हमने मोल्ड कैविटी यूज की थी जो हमने पैटर्न यूज़ किया था उसको वो रेजिस्ट करना चाहिए हाई टेम्परेचर को नेक्स्ट डिफेक्ट है दैट इज़ स्वेल्स स्वेल्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इट इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ द कास्टिंग उभरा हुआ पोर्शन जो आपको दिख रहा है टिपिकली टेक्स ऑन शेप ऑफ स्लाइड स्मूथ बल्ज ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ कास्टिंग स्वेल इज़ usually caused by इम प्रॉपर और सॉफ्ट रैमिंग ऑफ द तो हमारी जो सैंड की रैमिंग है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए Mold शुड बी बिल्ड टू withstand लिक्विड मेटल प्रेशर एंड यूजिंग अ strong एंड properly रैम्ड मोल्ड प्रिवेंट स्वेल्स तो सैंड की जो रैमिंग है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए ताकि स्वेल्स वाले डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो the इज द ड्रॉप्स ड्रॉप्स pieces of sand ऑफ सैंड फॉल casting मेटल कास्टिंग स्टिल लिक्विड ड्रॉप्स अपीयर एज एन इरेगुलरली शेप प्रोजेक्शन ऑन द कोप टॉप्स ऑफिस ऑफ द कास्टिंग पर अगर इरेगुलर शेप प्रोजेक्ट हो जाए तो उसे ड्रॉप कहते हैं इसके जो कारण है वो है लो सैंड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का जो आ, मिट्टी का जो स्ट्रेंथ है वो कम है एंड सॉफ्ट ड्रैमिंग ड्रामिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है इनसफिशेंट फ्लक्सिंग ऑफ द मोल्टन मेटल प्रॉपर्ली फ्लक्स नहीं किया गया तो फिर डायरेक्टली एयर कॉन्टैक्ट में आ गया है इनसफिशियन ट्रेंसफॉर्मेंस ऑफ सैंड प्रोजेक्शन इन द कोप 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 पार्ट में जो है रेन फोर्स एंड प्रोजेक्शन यूजिंग नेल्स एंड गैगर्स तो हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके प्रॉपरली स्ट्रेंथ देकर उसे सैंड को फिक्स करना चाहिए देन नेक्स्ट इज द रैट टेल्स वेन्स एंड बकल्स तो आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं ये क्रैक के फॉर्म में होते हैं दीज आर अपेयर एज एन इरेगुलर लाइन और क्रैक ऑन द कास्टिंग वेन द सर्फेस ऑफ द मोल्डिंग सैंड बकल्स अप रैट टेल्स यूजली ऑफर ऑन द सर्फेस ऑफ द मोल्ड बॉटम एरिया कवर विथ वोल्डन मटेरियल बकल्स आर मोर सीवियर फ्राम रैपटेल तो यहाँ पर क्या है कि uh, जब मोल्डिंग सैंड की जो सर्फेस है यहाँ पर ही क्रैक्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं तो इनका जो कारण है वैन द एक्सेसिव हीट ऑफ द मेटल कॉजे सैंड टू तो एक्सपैंड यानी हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो सैंड है वो एक्सपैंड यानी कि फैल जाती है उसकी वजह से ये

मेटल पेन्यूट्रेशन ऑकर्स वन द लिक्विड मेटल पेन्यूट्रेट गैप्स इन द मोल्डिंग यानी मोल्डिंग सैंड कैविटी में कहीं कहीं पर अगर लिक्विड मेटल पास ऑन हो जाता है तो यह एक मेटल पेन्यूट्रेशन के फॉर्म में नजर आता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो यूजेज ऑफ सैंड विथ लो स्ट्रेंथ एंड हाई परमिबिलिटी इसके जो कारण है वो ये हैं अगर हमने लो परमिबिलि हाई परमिली परमिबिलिटी सैंड यूज़ की है तो उसमें पेनिट्रेट हो सकता है हमारा मोल्टन मेटल यूज ऑफ लार्ज एंड कोर्स सैंड ग्रेन हमने कोर्स सैंड ग्रेन का इस्तेमाल किया है लैक ऑफ मोल्ड वॉश सॉफ्ट रैमिंग रैमिंग हमने प्रॉपर तरीके से नहीं की है तब ये डिफेक्ट हो सकता है तो इसकी रेमिडीज़ ये हैं कि यू हैव टू यूज़ हाई स्ट्रेंथ सैंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए उसकी जो ग्रेन साइज़ है वो कम होनी चाहिए उसकी परमिबिलिटी भी कम होनी चाहिए ताकि उसमें से पास ऑन नहीं हो मोल्टन मेटल हार्ड रैमिंग रैमिंग उसकी प्रॉपर्ली होनी चाहिए यानी कि उनमें जो सैंड है वो टाइटली स्प्रेड होनी चाहिए मोल्ड कैविटी के अंदर सो so, इस तरीके से आप इस डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ द मेटल कास्टिंग डिफेक्ट एंड कॉजेज

हॉट स्पॉट्स आर द स्पॉट्स दैट आर हार्डर सराउंडिंग एरिया बिकॉज दीज आर कूल मोर क्विकली द सराउंडिंग मटेरियल तो कुछ मटेरियल कई जगह पर वो हार्ड हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जल्दी हो गया है हार्ड स्पॉट्स कैन इंटरफेस विथ मशीनिंग तो मशीनिंग प्रोसेस के दौरान हमें दिक्कत आ सकती है कि क्योंकि उसमें मशीनिंग के दौरान वो जो सर्फेस है वो काफ़ी हार्ड होगा कॉजिज एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉट स्पॉट हॉट स्पॉट आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर कूलिंग प्रैक्टिस यानी सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग प्रोसेस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है सो so, इसके जो सॉल्यूशन है ये है दी यू हैव टू स्टार्ट बाय करेक्टिंग कूलिंग प्रैक्टिस आपको सही करनी है एंड ऑल्सो कंसिडर चेंजिंग द मेटल्स केमिकल कंपोजिशन भी आप चेक कर लीजिए सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है डिफेक्ट की दैट इज द पोरिंग कास्टिंग डिफेक्ट यानी पोरिंग मेटल मोल्टन मेटल को पोर करते वक्त जिस तरीके के डिफेक्ट सामने आते हैं उनमें सबसे पहला है कोल्ड शर्ट या लैप कोल्ड शर्ट इज अ टाइप ऑफ सर्फेस डिफेक्ट सर्फेस पे पाया जाता है आप उसको देख सकते हो लाइन और क्रैक के फॉर्म में विथ अ राउंड एज ऑन द कास्टिंग सर्फेस दिस डिफेक्ट इज विजिबल आसानी से आप देख सकते हो ऑफन रिजल्ट इन रिजेक्टिंग द कास्ट इसकी जो कॉजेज है वेन द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड फ्रॉम टू गेट्स द स्ट्रीम विल मीट एट अ जंक्शन टेम्परेचर कैन प्रिवेंट फ्यूजन एट द जंक्शन कॉजिंग स्ट्रीम टू सॉलीफाई बिफोर फ्यूजन क्रिएटिंग अ कोल्ड शेड, यानी दो दो तरफ से अगर मोल्ट मेटल पास ऑन हो रहा है तो एक पॉइंट पे आके वो दोनों जंक्शन पे इकट्ठे होकर फ्यूज हो जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है तो कोल्ड शेड इज़ यूजली रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ लुइडिटी यानी मोल्ट एंड मेटल की फुइडिटी अगर प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है गेटिंग सिस्टम की तब ये क्रिएट हो सकता है सो द बेस्ट वे टू रिड्यूज इस टू ऑप्टिमाइज गेटिंग सिस्टम आपको इंप्रूव करना है इंक्रीज द पोरिंग टेम्परेचर को आप इंक्रीज करिए ताकि वो जल्दी से फ्लो हो सके आसानी से इंप्रूव गैस परमेबिलिटी और गैस गैस परमेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि अंदर जो है लिक्विड या गैस एंट्रैप ना हो सके सो so नेक्स्ट इसमें है दैट इज द दिज आर क्लोज रिलेटेड टू कोल्ड कोल्ड की तरह ही रहते हैं ये मिसरन द लिक्विड मेटल इज टू कोल्ड टू फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मोल्ड कैविटी बिफोर फ्रीजिंग और सॉलिडिफाइंग तो यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है यह सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाया है और पूरी कैविटी में स्प्रेड भी नहीं हो पाया द मिस्रन इज़ अनफिल्ड पोर्शन तो मिश्रण तो क्या है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है अनफिल्ड पोर्शन जहाँ पर ये मोल्टन मेटल नहीं पहुँच पाया है और स्पेस क्रिएट हो गया है तो इसका जो रीज़न है वो है प्री मेचोर सॉलिडिफिकेशन यानी टाइम से पहले ही मेटल का मोल्टन मेटल का सॉलिडिफिकेशन और इफ़ यू हैव अ मिस्रन देन चेक मोल्ड डिज़ाइन प्रॉपर्ली चेक कीजिए आप गेटिंग सिस्टम प्रॉपरली डिज़ाइन कीजिए और मोल्टन मेटल की फ्यू फ्लूडिटी का भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इज द कोल्ड शॉट्स स्प्लैटरिंग ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ अ लिक्विड कैन कॉज सॉलिड ग्लोबल्स टू फॉर्म तो ये भी मोल्टन मेटल के पोरिंग के दौरान ही इस तरीके के आ, कुछ होल्स uh, रहते हैं एज दीज ग्लोबल्स फ्रीज दे बिकम एंट्रैप्ड इन द कास्टिंग कास्टिंग के बीच में ही रह जाते हैं स्मॉल बॉल्स या ड्रॉप्स या पर्ल शेप के uh, तरह दिखाई देते हैं दीज आर अटैच द मेटल्स सो टू प्रिवेंट दिस प्लैटरिंग और कोल्ड चर्ट मॉडिफाइंग पोरिंग प्रोसीजर पोरिंग प्रोसीजर के वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड एडजस्टिंग गेटिंग सिस्टम डिजाइन गेटिंग सिस्टम का भी हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि उसकी डिज़ाइन सही तरीके से हो नेक्स्ट इज द स्लैग इंक्लूशन यानी स्कैप दिस इरेगुलर मेटालिक क्रस्ट आर फाउंड इन द कास्टिंग सर्फिस स्कैप्स आर टिपिकलीनली अफ्यू मिलीमीटर्स थिक बट कैन भी सीन बाय नेकेड आई दूसूल हैव शार्प एजेस इरेगुलर शेप्स एंड फॉर्मली बाउंडेड टू द कास्टिंग सो इस तरीके का डिफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है देन स्कैप्स आर क्लोज रिलेटेड टू बैक्टेरियल एंड दे अपियर टूगेदर क्रैक्स की तरह दिखाई देता है सो so, इसकी जो कॉजेज हैं द स्लैग इंक्लूजन इज कॉज वेन मोल्टन मेटल कंटेन स्लैग पार्टिकल्स इज पोर्ड इन टू द मोल्ड कैविटीज मोल्टन मेटल के अंदर ही अगर स्लैग पार्टिकल्स हैं और वो मोल्टर मोल्ड कैविटी में नजर आएंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रिवेंटिंग स्टैग इंक्लूजन इज सिंपल फिक्स रिमूव स्लैक पार्टिकल्स तो मोल्टन मेटल में पोरिंग से पहले ही आप स्लैक पार्टिकल्स को रिमूव कर दीजिए मेल्टिंग द मेटल विथ फ्लक्स तो मेटल को जो मेल्ट करोगे आप फ्लक्स के थ्रू कीजिए ताकि वो स्लैक पार्टिकल्स रिमूव कर सके एडिंग इन्ग्रीडियंट्स टू द मिक्सचर टू कॉज स्लैक टू फ्लोट और द टू द टॉप ऑफिस वेर यू कैन ईजिल सी एंड रिमूव इट बिफोर पोरिंग तो फ्लक्स के इस्तेमाल से स्लैक पार्टिकल्स को आप रिमूव कीजिए यूज़ अ स्पेशल एड दैट पोज मेटल फ्रॉम द बॉटम एडिंग अ सिरामिक फिल्टर इनटू द गेटिंग सिस्टम तो फिल्टर का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि स्लैक पार्टिकल रिमूव करके ही आप मोल्टन मेटल को पोर करो मोल्ड कैविटी में कास्टिंग शेप डिफेक्ट्स एंड कॉजेज सो दीज टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट आर रिलेटेड टू द ओवरऑल शेप ऑफ द फाइनल कास्टिंग लास्ट में आफ्टर सोलिडिफिकेशन जब हमारी फाइनल कास्टिंग तैयार होती है तो उसमें अगर कुछ मिस मैच होता है तो वो किस तरीके का डिफेक्ट कहलाता है सो फर्स्ट वन इज द शिफ्ट या फिर मिस मैच मोल्ड शिफ्ट इज ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर पार्ट कोव एंड द लोअर पार्ट दैट इज अ ड पार्ट मोल्ड शिफ्ट इज यूज रिफ्लेक्टेड एज अ हॉर्जेंटल डिस्प्लेसमेंट जो डायग्राम में आपको आसानी से दिखाई दे रहा है अपर एंड लोअर पार्ट जो है अपनी पोजिशन से सड़क गए हैं सम कॉजेज ऑफ द शिफ्ट कैन इंक्लूड लूज बॉक्स पिन इन एक्क्यूरेट पैटर्न डॉबल पिन केयरलेसनेस इन प्लेसिंग द कोप ऑफ ऑन द ड्रैक कॉजिंग मिस अलाइनमेंट यानी कि मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आपने पैटर्न को सही से फिक्स नहीं किया है सो मेक श्योर टू यूज प्रॉपर मोल्डिंग बॉक्स और मोल्डिंग पिनस का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए सो so ये ऑपरेटर के स्केल्स पर निर्भर करता है नेक्स्ट इज द फ्लैश फेन एंड बर्स फ्लैश इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग कास्टिंग डिफेक्ट एंड ऑल्सो अ कॉमन इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट

नेक्स्ट डिफेक्ट इज द वॉपिंग वापिंग इज एन अनवॉन्टेड कास्टिंग डिफॉर्मिटी दैट कैन वॉक ओवर टाइम विच रिजल्ट इन अ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इट कैन हैपन ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन तो ये जो डिफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है शेप में कन्वर्जन हुआ है तो दिस इज आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सो जो मेन कॉजेज़ है वापिंग के इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन डिफरेंट सेक्शन यानी कि हमारे जो जो कास्टिंग के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से सॉलिडिफिकेशन हुआ है इनके टाइम चेंजेस हैं उसकी वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके शेप में चेंजेस आ गए हैं नॉर्मलाइजिंग ही ट्रीटमेंट कैन रिमूव रेजिडल स्ट्रेस इन आयरन कास्टिंग अ स्ट्रेटनिंग बिटवीन क्वेंच एंड एजिंग प्रोसेस माइट माई रोल्सो रिक्वाइड फॉर एलिमिनियम कास्टिंग तो हमें ही ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान इसका ध्यान रखना होगा और इसे रिमूव कर सकते हैं सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिज कास्टिंग डिफेक्ट्स इज इट दीज डिफेक्ट्स एंड कॉजेज इसेंशियल टू मैनेजिंग कास्टिंग क्वालिटी को यह बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं तो कास्टिंग डिफेक्ट के हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और रेमिडीज भी कर सकते हैं तो बेटर ये होगा कि वी हैव टू प्रिवेंट दीज डिफेक्ट्स वी हैव टू इंश्योर आवर क्वालिटी सो वी हैव टू सेट क्लियर डिफेक्ट टॉलरेंसेज एंड क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस विद द सप्लायर्स बिफोर द प्रोडक्शन टू हेल्प दम अंडरस्टैंड द क्वालिटी प्रोडक्ट डिफेक्ट टॉलरेंसेज कैन बैर बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिटरमाइनिंग योर टॉलरेंस फॉर दिस कास्टिंग डिफेक्ट कैन हेल्प योर सप्लायर बेटर अंडरस्टैंड योर स्टैंडर्ड्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर मिस अंडरस्टैंडिंग एंड क्वालिटी इशूज तो कास्टिंग डिफेक्ट को हम पहले से ही कई सारी बातों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखते हुए उसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड वी वी कैन रिपेयर ऑल्सो बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि किन किन कारणों से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं कि तो पूरे कास्टिंग प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के दौरान हमें हर एक प्रोसेस में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो तो इस तरीके से हम कास्टिंग डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एंड वी हैव टू प्रिवेंट इट ऑल्सो